So 25th question. A soldier jumps out from an aeroplane with a parachute. After dropping through a distance of 19.6 meter, he opens a parachute and deaccelerates at a rate of 1 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 4.6 meter per second, how long was he in the air? तो ऐसा है कि अ सोल्जर इज जंपिंग आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन. सो लेट अस से द सोल्जर जंप्स आउट. ओके, आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर ही ओपन्स पैराशूट एंड डीएक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आफ्टर ओपनिंग पैराशूट द डीएक्सेलरेशन from this part to up to ground, the deacceleration becomes 1 meter per second square, and when he reaches the ground, the final velocity becomes 4.6 meter per second. How long was he in the air? So, आप लोगों को time find करना है. How long was he in the air? वो कैसे find करेंगे? तो सीधा सीधा है कि we will split up into two cases. हम लोग दो केसेस में इस क्वेश्चन को स्प्लिट करने वाले हैं. एक है बिफोर ओपनिंग द पैराशूट. सो लेट मी टेक केस वन. बिफोर ओपनिंग द पैराशूट, राइट? सो लेट अस से T1 इज द टाइम फॉर विच इट वॉज इन द एयर. T1 is time without, मतलब before opening parachute, okay? So T1 is the time in this case before opening the parachute. Then what we can do is हम लोग यहाँ पे h equal to, मतलब s equal to ut plus 1/2 AT² use कर सकते हैं. ut plus 1/2 AT² use कर सकते हैं. S मतलब H, और H यहाँ पे है 19.6. Without opening parachute is 19.6. Initial velocity zero होगा क्योंकि aeroplane horizontally जा रहा है, vertically up नहीं जा रहा है. अगर vertically up जाता तो aeroplane का जो velocity था vertically up ऊपर की direction में वो initial होता. आपने पहले भी सीखा है, a balloonist, हमने देखा था last example में, balloonist ऊपर जा रहा है with some speed, तो initial velocity हमने लिया था minus velocity of balloon. वो हमने लिया था लास्ट सेशन में ही था. बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एरोप्लेन, एरोप्लेन डजंट गो वर्टिकली अप, एरोप्लेन फ्लाइज हॉरिजॉन्टली. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस सोल्जर इज जीरो. दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड. हाफ ए की वैल्यू जी, जी इज 9.8. यहां से मुझे T1 स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब मुझे T1 मिल जाएगा. तो आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, एंड इट इज वेरी सिंपल. 9.8 2za is 19.6. तो ये आ गया T1 square as 4, मतलब मुझे मिल जाएगा T1 equal to 2 second. तो ये पता लग गया कि parachute खोलने से पहले वो 2 second air में था. अब ये देखना है कि parachute खोलने के बाद कितना time वो air में था. And by the way, तो जब उसने पैराशूट खोला, लेट अस से एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे कुछ फाइनल वेलोसिटी भी रहा होगा v1, वो भी फाइंड करना पड़ेगा. तो वी कैन फाइंड आउट v1, द फाइनल वेलोसिटी एट द एंड, लाइक जस्ट व्हेन ही ओपन्स पैराशूट, ओके? या फिर द लास्ट पॉइंट ऑफ केस वन, v1 इक्वल टू u इज जीरो. पता है ना आपको v इक्वल टू u प्लस at, तो जीरो प्लस at a t1. तो v1 इक्वल टू a इज g, g इज 9.8, और ये 2 आ गया, मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस, राइट? तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा 19.6. ओके, सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. नाउ दैट इज वेयर जस्ट बिफोर द सोल्जर ओपन्स द पैराशूट, ओके, after falling through a distance of 19.6 meter. तो ये आपको मिल सकता है. This is one way of finding it out.
अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट आउट इज सिंपल, वी वन स्क्वायर इक्वल टू यू वन स्क्वायर प्लस टू ए एस, ऐसा भी फाइंड कर सकते हो आप. एंड लेट्स सी इफ इट टर्न्स आउट टू बी सेम, क्योंकि यू हैव टू वेरीफाई कि कौन सा हमको यूज करना है. तो वी वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू ए इज 9.8 एंड एस इज 19.6, है ना. 19.6 इंटू 19.6 19.6 करो, उसका स्क्वायर रूट ऑफ 19.6 आएगा, मतलब इट इज द सेम. तो यू शुड नो दैट वी आर सपोज टू यूज द सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन. तो मिल गया. देन केस टू, आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट पैराशूट ओपन करने के बाद कितने टाइम वो एयर में था, लेट अस से टाइम इज टी टू. अब ये टी टू कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमको क्या पता है. व्हाट वी नो हियर इज व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, क्योंकि मुझे पता है इनिशियल स्पीड इन सेकेंड केस इज फाइनल ऑफ फर्स्ट, दैट इज 19.6. हमको फाइनल स्पीड ऑफ सेकेंड केस भी दिया है, उन्होंने बोला ये जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो स्पीड कितना होगा, 4.6 मीटर पर सेकेंड. मतलब जब सोल्जर ने पैराशूट ओपन किया था और जब सोल्जर ग्राउंड पे पहुंचा है, दोनों ही केस का हमको स्पीड पता है, मतलब वी नो इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स. तो इफ वी नो इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स, वी कैन फाइंड आउट टी, बिकॉज वी ऑल्सो नो एक्सेलरेशन इन दिस केस, मतलब डी एक्सेलरेशन इन दिस केस इज वन, मतलब नेगेटिव वन मीटर पर सेकेंड. उन्होंने बोला है सी if you read the question, after dropping through a distance of 19.6 meter, he opens the parachute and decelerates at the rate of. To pehle jo rate of fall tha, right, that was 9.8, but parachute open karne ke baad the rate at which the soldier is coming down is minus 1 meter per second square. Acceleration की बात कर रहा हूँ मैं, deacceleration की बात कर रहा हूँ. तो what we have is final velocity, initial velocity, acceleration. तो time मिल सकता है. तो using v2 is equal to u2 plus a2 t2, हमको t2 मिल जाएगा. By the way, v2 is 4.6, u2 is 19.6, a2 is minus 1 and that is t2 here. इसको सॉल्व करना है आपको तो इजी है. t2 is 19.6 minus 4.6, मतलब 15 सेकेंड्स आ गया. therefore total time, क्योंकि उन्होंने बोला है how long was he in the air, so total time for which the soldier was in air is t is equal to t1 plus t2. So t1 is 2 plus t2 is 15, that is 17 seconds. So answer option number D. Right. So how have we solved this question is by splitting up it into two parts, two cases. एक तो जब सोल्जर ने पैराशूट ओपन नहीं किया था उस केस में टाइम निकाल लिया, फिर उस केस का फाइनल वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड केस व्हेन द सोल्जर ओपन्स द पैराशूट यूजिंग बेसिक इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स. हमने यूज क्या किया है, सिर्फ s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और v इक्वल टू u प्लस at, दो बार यूज किया है ये इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at. एक बार केस वन में ऊपर यूज किया था, राइट. तो सेकेंड केस में भी हमने v2 इक्वल टू u2 प्लस a2 t यूज करके हम लोगों ने t2 फाइंड कर लिया, मतलब टाइम फॉर विच द सोल्जर वॉज इन एयर आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट. तो इन दोनों टाइम्स को एड कर दिया, आफ्टर एंड बिफोर ओपनिंग द पैराशूट, वी गेट टोटल टाइम फॉर विच द सोल्जर वॉज इन एयर, दैट टर्न्स आउट टू बी 17 सेकेंड्स. इजी क्वेश्चन था.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड. द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड. हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट. देखो ऐसा है कि हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है लास्ट सेशन में. उसमें सिर्फ आपको सेकेंड और थर्ड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था. क्वेश्चन इज मोर और लेस सिमिलर. लास्ट सेशन में ही ये एक क्वेश्चन मैंने लिया था जिस केस में आपको सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप का सेपरेशन फाइंड करना था. ये एग्जैक्टली सेम लाइंस पे क्वेश्चन सॉल्व होता है. तो ये आपको खुद को करना है एज अ ट्रायल इफ यू कैन डू इट, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है. सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अभी सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप नहीं, सेपरेशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है. ये तो और भी ईजी है फिर. तो आई वुड लाइक दैट यू डू दिस क्वेश्चन एज असाइनमेंट. और आप लोगों ने जो क्वेश्चन के सोल्यूशन भेजे हैं मुझे ऑलरेडी ग्रुप पे, आई हैव वेंट थ्रू इट, मैंने देखे है वो. I will write down on the group itself ki what you have done right and wrong. I would basically reply on the same thread jahan pe aapne mujhe bheja hai. This question is similar to what we have done in the previous session, matlab recorded session of yesterday. To wo aapne dekha nahi hoga, to you won't be able to solve this. To pehle wo dekho. And this will be assignment for today. 27th. A jeep moves at uniform speed of 60 km per hour on a straight road blocked by a wall. So there's a road on which the jeep is moving and there's a wall which is blocking the road. Matlab dead end hai basically. There's a dead end. There's nothing. Road khatam ho jayega wahan pe. The jeep has to take a sharp perpendicular turn along the wall. Stunt karna hai. जाना है और शार्प परपेंडिकुलर टर्न 90 डिग्री से टर्न लेना है. ओके 90 डिग्री का टर्न बोल रहा हूँ मैं. सो द थिंग इज द जीप विल गो हियर एंड देन टेक अ शार्प टर्न एट 90 डिग्री, ऐसा उन्होंने बोला है. अ रॉकेट फ्लाइंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉल टुवर्ड्स द जीप व्हेन द जीप इज 30 किलोमीटर अवे. The rocket is traveling in the direction of jeep when the jeep is 30 km away from the wall. The rocket reaches the windscreen and returns to the wall. The total distance covered by the rocket is. This is some kind of very good question. So, also a simple question. मैं वापस क्वेश्चन आपके लिए स्लोली स्लोली पढ़ता हूँ, उसको लिंक करने की कोशिश करनी है. ऑप्शन इसमें बी आने वाला है, 50 किलोमीटर आने वाला है, वो कैसे आएगा हम देखेंगे. क्वेश्चन में क्या बोला है, जीप इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, राइट. ओके स्पीड दिया है, स्पीड इज इंपॉर्टेंट. ऑन अ स्ट्रेट रोड ब्लॉक्ड बाय अ वॉल. The jeep has to take a sharp perpendicular turn along the wall. A rocket flying at a uniform speed of 100 km per hour starts from the wall towards the jeep when the jeep is 30 km away. Okay. The rocket reaches the windscreen and returns to the wall. Total distance covered by the rocket is. So, aapko basically ye bataya hai isme. इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द वॉल एंड द जीप इज 30 किलोमीटर. घूम फिर के वही बोला है, राइट. तो टाइम टेकन बाय द जीप टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर आप फाइंड कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन फाइंड इज टाइम टेकन बाय द जीप टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, मतलब बेसिकली डिस्टेंस टू रीच द वॉल इज टाइम. पता है आपको क्या होता है, यू नो व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
क्योंकि आंसर किलोमीटर में है तो मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा एसआई सिस्टम में। डिस्टेंस हमको बोला है 30 किलोमीटर, स्पीड हमको बोला है 60 किलोमीटर पर आर, तो ये किलोमीटर पर आर में है, तो हाफ आर लग गया जीप को 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, मतलब जीप को वॉल तक पहुंचने में, राइट। और इस ड्यूरेशन में, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, थोड़ा कनेक्ट करो, जीप वॉल की तरफ जा रहा है और वहां से रॉकेट जीप की तरफ आ रहा है, राइट। ओके, देन उन्होंने बोला है कि जो रॉकेट है वो सिर्फ विंडस्क्रीन को टच करके वापस जाएगा, कम टच एंड गो, राइट। ओके, तो हमको पहले तो ये समझा कि हाउ मच टाइम डज दैट जीप टेक्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, दैट इज हाफ आवर। इस हाफ आवर में रॉकेट ने भी तो मोशन किया होगा, रॉकेट ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वी हैव टू सी व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉकेट इन दिस मच ऑफ टाइम, ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरेशन। सो लेट्स सी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉकेट इन दिस ड्यूरेशन इस, राइट। हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड एस, दैट इज स्पीड इन टू टाइम, राइट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट, 100 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम, हाफ आवर, तो आर आर कैंसल, 1 जा एंड दिस विल बी 50 जा, तो 50 किलोमीटर, तो आंसर इज बी एज आई टोल्ड यू, राइट। देर आर फ्यू थिंग्स विच वेर नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है दिस सेंटेंस, द जीप हैज टू टेक अ शार्प परपेंडिकुलर टर्न अलोंग द वॉल। तो जानबूझ के क्वेश्चन को ऐसा बनाया है सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, वापस मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन पिछले वाले से इजी है, सिर्फ द वे दे फ्रेम्ड द क्वेश्चन इज टू वेस्ट योर टाइम। अ जीप मूव्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज द स्पीड ऑफ जीप, ये इंपॉर्टेंट था। ऑन अ रोड ब्लॉक्ड बाय अ वॉल द जीप हैज टू टेक अ शार्प परपेंडिकुलर टर्न अलोंग द वॉल, दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। A rocket flying at a uniform speed of 100 km per hour starts from the wall towards the jeep when the jeep is 30 km away. जब जीप 30 किलोमीटर अवे था, किससे? That is what you have to understand. A rocket flying at uniform speed of 100 km per hour starts from the wall. Starts from the wall towards the jeep. When the jeep is 30 किलोमीटर अवे, तो हमको ये देखना है that how much time does the jeep takes to cover the distance of 30 किलोमीटर, right? That is half hour. ये relevant क्यों है? ये जो time हम लोग find करने हैं कर रहे हैं, हमको ये सिर्फ इसके लिए लगने वाला है so that we can find out what is the distance covered by the rocket is. रॉकेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए क्या चाहिए? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो है रॉकेट का 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम 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 इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो वी नीड टू नो हाउ मच इज द टाइम ड्यूरेशन, तो इसलिए हमने पहले केस का वो टाइम फाइंड किया और उसको हमने दूसरे केस में यूज किया है सो दैट वी नो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉकेट, बिकॉज उन्होंने बोला है जी रॉकेट आएगा, टच करेगा विंड स्क्रीन को, कार जीप के, और वापस चले जाएगा, राइट। तो 30 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्यों? लॉजिकली सोचो, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन रॉकेट एंड जीप 30 किलोमीटर, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ जीप 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर जीप को वॉल के पास जाना है कितना टाइम? हाफ आवर। लेकिन रॉकेट भी तो जीप की तरफ आ रहा है और रॉकेट फास्ट है, 100 किलोमीटर पर आवर है, तो रॉकेट आएगा
टच करके वापस जाएगा, तो आएगा मतलब डिस्टेंस कवर करेगा, टू कम टूवर्ड्स एंड टच करके वापस भी जाएगा, राइट? तो दिस इज हाउ वी फाइंड इट, स्पीड इनटू टाइम, एंड दिस टाइम वी आर यूजिंग फ्रॉम द केस वन, राइट? तो दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. जानबूझ के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बनाया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. क्वेश्चन इज जस्ट मेड टू कंफ्यूज यू. क्वेश्चन नंबर 28. टू ट्रेन्स ए एंड बी 100 किलोमीटर्स अपार्ट आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर विथ स्टार्टिंग स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर बोथ. दोनों का इनिशियल स्पीड जो था 50 था. ट्रेन ए का एक्सेलरेशन है 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, बी का डी एक्सेलरेशन है 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. आई थिंक दिस शुड बी 18 किलोमीटर नॉट मीटर. लेट मी जस्ट चेक इट शुड बी 18 किलोमीटर यस पर आवर स्क्वायर. तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. ओके राइट. The distance where the engines cross each other from the initial position of A. A or B, two trains, they are 100 kilometer apart. So, मैं अगर मानता हूँ कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, initial distance between these two is 100 kilometer, right? They are traveling towards each other with initial speed of 50. मतलब A का speed है 50 kilometer per hour initial speed. B का initial speed है 50 kilometer per hour का. पर A का speed बढ़ते जा रहा है. A is accelerating. Acceleration of A is 18 kilometer per hour square. Whereas B is deaccelerating at a speed of 18 kilo at a rate of 18 kilometer per hour square. This is the relevant information. जब वो एक दूसरे को cross करेंगे, let me mark a point of crossing. मान लेते हैं कि यहाँ पे cross कर दिया. At point C, so how much is the distance AC? That is the question that they are asking you, right? So the question under consideration is this. Bahut simple sa question hai. Definitely simple hai if you understand it very well. Okay, thoda lengthy jayega. Okay, then. अगर मैं मान लेता हूं कि ट्रेन ए ने एक्स किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट? सो लेट अस से, लेट जस्ट अ मिनट. तो लेट अस अज्यूम, लेट इंजन ऑफ ट्रेन ए engine of train A travels distance X and crosses engine of B in T hours, right? What we know is initial velocity of A is 50 kilometer per hour. वैसे दोनों का ही 50 kilometer per hour है. U A U B both are 50 kilometer per hour. Okay. Then हमको ये भी बताया acceleration of A is 18 kilometer per hour square. Right. What we can find out from this data? हमको पता है distance traveled by A S A is ut plus half at square, right? What can I obtain from this?
I'll just write down distance is s, u is 50 into t, क्योंकि मैंने t hours बोला ही है वहाँ पे, तो t a को t लिखूँगा, plus half, और a acceleration in first case is 18, तो 18 by 2 t square, तो ये मुझे मिल गया s is equal to 50 t plus 9 t square, equation number 1 मान लेते हैं इसको। तो क्या किया हमने, s equal to ut plus 1 half at square में u की वैल्यू a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन बना लिया। ओके ओके देन ऐसा है, टोटल डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर। आप इमेजिन करो, ट्रेन को भूल जाओ, आप समझो कि एक आप हो, एक आपका दोस्त है, आपको मिलना है, दोनों को मिलना है, आप दोनों 100 किलोमीटर दूर रहते हो, आपको ज्यादा घाई है, तो आप एक्सीडेंट हो रहे हो विथ 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आपका फ्रेंड बोलता है यार छोड़ यार, इसका रोज का ही है, वो धीरे धीरे आ रहा है, आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना किया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, और आप मिल गए कहीं पे पॉइंट सी पे, बराबर। सो एस या एक्स, वॉट एवर डिस्टेंस यू कैन से, अगर ये डिस्टेंस एस है तो ये डिस्टेंस 100 माइनस एस होगा, 100 में से 70 किलोमीटर आप गए तो 30 किलोमीटर तो वो भी आएगा ना। हाँ, तो वही है यहाँ पे, लेट द इंजन ऑफ ट्रेन बी, लेट क्या अभी तो कंफर्म ही हो गया, देयरफॉर इंजन ऑफ ट्रेन बी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एस, राइट, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंजन ऑफ ट्रेन बी, distance traveled by the engine of train B is 100 minus S, correct. So similarly what you can do is, जैसे आपने पहले केस में s equal to ut plus 1 half at square use किया है, यहाँ पे भी कर सकते हो, sb is equal to ubtb प्लस हाफ ए बी टी बी स्क्वेयर, गुड इनफ। व्हाट इज एस बी, अभी लिखा मैंने 100 माइनस एस, व्हाट वाज इनिशियल स्पीड 50। देखो ऐसा है कि घर से निकलने के बाद आप और आपका फ्रेंड सपोज टी आर के बाद मिला, मतलब आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर लेटर से 1 आवर ना, आप दोनों घर से निकलने के 1 घंटे के बाद मिले, तो 1 आवर तो कॉमन है ना दोनों में, टाइम तो कॉमन है ना, सो टी ए एंड टी बी आर सेम, तो मैं टी ए और टी बी के लिए टी ही लिखने वाला हूँ, राइट, गुड। प्लस हाफ, अभी उसका था डी एक्सेलरेशन, मतलब दैट फ्रेंड ऑफ योर वॉज बेसिकली डी एक्सेलरेटिंग, स्लो आ रहा है वो टी स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको 100 माइनस एस इज इक्वल टू 50 टी माइनस 9 टी स्क्वायर, राइट, गुड। इक्वेशन नंबर 2, अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर दें, इफ वी ऐड दीज टू, तो एडिंग 1 एंड 2 इजी है, एस प्लस 100 माइनस एस इज इक्वल टू 50 टी प्लस 90 स्क्वायर प्लस 50 टी माइनस 90 स्क्वायर, कैंसल 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 कैंसल, 100 इक्वल टू 100 टी, मतलब 1 आवर के बाद कहाँ पे मेल मिलाप हुआ, राइट, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी मीट्स ईच अदर आफ्टर 1 आवर, एंड क्वेश्चन ये था व्हाट इज द डिस्टेंस एस इफ यू रिमेंबर, What is the distance S measured from the starting point of A, ये पूछा था, मतलब मुझे सिर्फ equation 1 में T की value डालनी है, है ना, put T equal to 1 in equation number 1, मैं repeat करने वाला हूँ वैसे ये, तो put T equal to 1 in 1, तो S is equal to 50 into 1
प्लस 9 इंटू 1 स्क्वायर, सो एस इज इक्वल टू 59 किलोमीटर्स, है क्या ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो मैं क्वेश्चन वापस समझाता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें से दो ऑप्शंस तो लॉजिकली भी इनकरेक्ट थे। इसको सिर्फ आपको सोचना है, ऐसे है, ट्रेन को छोड़ दो, आप खुद की और खुद के दोस्त की बात करो। यू लिव इन वन सिटी, योर फ्रेंड लिव इन अनदर सिटी, बोथ ऑफ यू आर 100 किलोमीटर अपार्ट। यू बोथ डिसाइड टू मीट एंड यू बोथ आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, बट बिकॉज यू आर सुपर एक्साइटेड टू मीट योर फ्रेंड, यू आर एक्सेलरेटिंग विद 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वेयर एंड योर फ्रेंड हु इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू, ही इज मूविंग स्लो, माइनस ही इज लाइक रिड्यूसिंग स्पीड, माइनस 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वेयर से रिडक्शन है स्पीड, मतलब डी एक्सेलरेशन है। इन शॉर्ट, आई वॉन्ट टू नो और यू वॉन्ट टू नो हाउ फार फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, आपके घर से कितना दूर जाने के बाद आपका ये मेल मिलाप होने वाला है, दैट रीयूनियन इज गोइंग टू ऑकर, मेजर्ड फ्रॉम योर हाउस बिकॉज योर ए ट्रेन, राइट। तो कैसे किया, हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मैंने मान लिया मेरे घर से एस डिस्टेंस पे ये होने वाला है रियूनियन, ओके। जब रियूनियन होगा तो मान लेंगे कि टी आर्स में रियूनियन हो रहा है, मतलब घड़ी तो एक ही है दोनों के पास, 6 बजे निकले, 7 बजे मिले, तो आपके लिए भी 7 बजे मिला, वो भी 7 बजे ही आएगा वहां पे ना, मिला मिलन, व्हेन यू गेट टुगेदर, दोनों के लिए टाइम तो सेम होगा ना, स्टार्टिंग पोजीशन से एक टी आर के बाद आपके भी और उसके भी स्टार्टिंग पोजीशन से, स्टार्टिंग टाइम से टी आर के बाद यू आर मीटिंग। तो एस इक्वल टू 50 T बिकॉज योर स्पीड वॉज 50 इनिशियली, प्लस 18/2 बिकॉज एक्सेशन इज 18 एंड बाई टू इट इज इन द फॉर्मूला टी स्क्वायर, तो आपको मिल गया एस इक्वल टू 50 T प्लस 9 T स्क्वायर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए व्हेन ए एंड बी मीट क्रॉस ईच अदर, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, हमको टी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एक इक्वेशन दो अननोन, एस भी अननोन टी भी अननोन नहीं चलता, और एक इक्वेशन बनाओ एस और टी में। तो सिमिलरली बी के लिए भी कर लेंगे ना, अगर मेरे घर से एस डिस्टेंस पे हम लोग मिल रहे हैं तो उसके घर से 100 - s हुआ, सिंपल है ना, टोटल डिस्टेंस 100 था, तो इफ फ्रॉम माय हाउस द डिस्टेंस इज एस, सो माय फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम माय फ्रेंड्स हाउस इट इज 100 - s, ए ट्रेन से एस डिस्टेंस तो बी से 100 - s डिस्टेंस, तो वही यूज किया एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो एस हियर इन दिस केस इज 100 - s, कंफ्यूजन होता होगा तो यू आर सेफ टू यूज एक्स, आई डोंट रियली वॉन्ट टू कंफ्यूज यू, इट इज अप टू यू वॉट सिम्बल्स यू वॉन्ट टू यूज, इट इज परफेक्टली फाइन, एस ए बी सी डी ई जो यूज करना है वो यूज करो, आपको सॉल्व करना है वो, राइट, गुड। तो आई डोंट माइंड वॉट काइंड ऑफ सिम्बल्स यू आर यूजिंग, ओके, तो गुड। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही था कि आपके घर से अगर एक्स डिस्टेंस पे है तो बी के लिए वो 100 - x पे है, राइट। तो वापस एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर यूज कर लिया, 100 - x = 50 T - 9 T स्क्वायर, दो इक्वेशन मिल गए, दो अननोन है, दोनों को ऐड कर दो, टाइम मिल गया, हमको डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना था, डिस्टेंस मेजर करना था हम लोगों को फ्रॉम ए, तो इसलिए हमने इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट किया टी की वैल्यू। अगर आपको बोला होता डिस्टेंस फ्रॉम बी तो फिर आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते, बात तो एक ही है, यू डू इट इधर वे, बात तो एक ही है, राइट। तो यू गेट 59 किलोमीटर्स फ्रॉम ट्रेन ए, द डिस्टेंस एट विच ए एंड बी आर गोइंग टू क्रॉस इच अदर लॉजिकली। लॉजिकली अगर ए एक्सेलरेट हो रहा है और बी डी एक्सेलरेट हो रहा है तो ए ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जब ए और बी क्रॉस होंगे हाफ से ज्यादा कवर करेगा, तो 100 में से 50 किलोमीटर
और 32 किलोमीटर, ये तो आंसर ही इलॉजिकल है, क्योंकि आप कहाँ से मेजर कर रहे हो? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए, और ए जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब डेफिनेटली ए और बी जिस पॉइंट पे मिलेंगे दैट इज शुड बी ग्रेटर देन हाफ द डिस्टेंस, 50 किलोमीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो लॉजिकली भी सोचोगे तो ए एंड सी आर नॉट द ऑप्शंस। गुड, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। 29th, the velocity of a particle at any time t is given by v is equal to 2t, t minus t meter per second. At what time is its velocity maximum? Velocity maximum मतलब acceleration zero. आपको मैं वापस बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया है, मैं वापस बता रहा हूँ। हमेशा याद रखना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या फिर कुछ वाई और अगेंस्ट एनी एक्स, आई कैन पुट एक्स एज एनी पैरामीटर, वाई एज एनी पैरामीटर। इफ द ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस, मान लो मैं सिर्फ ऐसा कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, बट ये कुछ भी में बहुत कुछ है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता है एक्सेलरेशन, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब डेरिवेटिव मतलब स्लोप जीरो होगा, और स्लोप जीरो कब होता है, स्लोप इज जीरो व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस, मतलब द स्लोप विल बी जीरो एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। ए पॉइंट मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, बी पॉइंट मतलब मिनिमम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू, मिनिमम मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू, है ना। मिनिमम मतलब सपोज मेरा गाड़ी का स्पीड हमेशा 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में रहता है। अगर मैं गाड़ी मिनिमम स्पीड पर चला रहा हूँ, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर पर चला रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट चेंजिंग स्पीड ना, आई एम नॉट चेंजिंग वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, राइट। बट यू शुड नो दैट स्लोप बींग जीरो, स्लोप जीरो का मतलब क्या, डीवी बाई डी टी। मैं आपको बहुत बार बताया चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब डीवी बाई डी टी, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी की वैल्यू या मैक्सिमम या मिनिमम हो। तो ये पॉइंट ए क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है ना, दिख रहा है ना ग्राफ में, मैक्सिमम वेलोसिटी ए पे जा रहा है, मिनिमम बी पे आ रहा है, तब होता है। तो इन डेप्थ सोचोगे तो समझेगा, बहुत सिंपल है, यू हैव टू नो दिस। For velocity to be maximum or minimum, मैं दोनों ही लिख रहा हूं यहाँ पे, to be maximum or minimum important है, दोनों केस में सेम होगा, dv by dt must be zero। तो हमारे पास v का तो ऑलरेडी इक्वेशन है, और v का इक्वेशन क्या है, 2 into 3 is 6, t minus 2t square, तो 6t minus 2t square is equal to 0, right? Good. इसका मतलब पहले टर्म का डेरिवेटिव लूंगा तो सिर्फ 6 मिलेगा, क्योंकि dt by dt is 1, minus 2 कांस्टेंट है, और t square का डेरिवेटिव लूंगा तो 2t मिलेगा। देखो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। If you want, I can put one more step over here. d dt of 6t minus d dt of 2t square, 6 constant था बाहर, dt by dt is 1, 2 constant था बाहर, t square का 2t derivative, तो मुझे मिल गया 6 minus 4t equal to 0, तो मुझे मिल गया 4t equal to 6, तो t is equal to 6 by 4 मतलब 3 by 2 seconds. What is important is this, ये बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना ही चाहिए। This is must. मैंने इसलिए ग्राफ बताया, ग्राफ आपको याद रहे नहीं रहे doesn't matter. मैंने ग्राफ क्यों बताया, because I want you to connect mathematics and physics. Graphically speaking, velocity maximum पे slope at that point is zero. Slope मतलब क्या, y और x ग्राफ में slope मतलब क्या, dy by dx. Velocity time ग्राफ में फिर क्या होगा, dv by dt. That is what you have to understand.
एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मतलब इस केस में v और मिनिमम वैल्यू ऑफ y मतलब इस केस में v, द लाइन टर्न्स आउट टू बी पैरेलल टू x एक्सिस मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और फॉर अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस और टाइम एक्सिस स्लोप इज जीरो, इसलिए मैंने लिखा dv by dt इज जीरो. गुड राइट सफिशिएंट फॉर डे. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन.